चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है ओआरपी यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि ओआरपी क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज बता दूं कि ओआरपी एक तरफ से वाटर का टेस्टिंग होता है, जिससे हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा पानी कितना साफ है या कितना गंदा है। यानी कि फ्रेंड्स, हमारा पानी के अंदर कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस ओआरपी को टेस्ट करके हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि इतना केमिकल अगर हम लोग डालेंगे तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कूलिंग टावर में हमारा ओआरपी कितना मेंटेन किया जाता है, या फ्रेंड्स जो हम लोग पानी पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर में ओआरपी कितना होता है। अगर फ्रेंड्स हमारा ड्रिंकिंग वाटर में ओआरपी बढ़ रहा है या घट रहा है तो क्या इफेक्ट होने वाला है, या फ्रेंड्स कूलिंग टावर में अगर हमारा ओआरपी बढ़ रहा है या घट रहा है तो क्या इफेक्ट होने वाला है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, पूरे एंड तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझते हैं कि ओआरपी क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ओआरपी स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडाइज हो जाना, यानी कि फ्रेंड्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फ्रेंड्स, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि फ्रेंड्स मान लीजिए हमारा क्या है, सोडियम है और प्लस हमारा क्लोराइड है, टू टाइम सोडियम है और क्लोराइड है। फ्रेंड्स मान लीजिए हमारा पानी में सोडियम भी प्रेजेंट है, हमारा क्लोराइड भी प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर पानी में हमारा सोडियम भी है क्लोराइड भी है, ये दोनों क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा। तो केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेता है, तो फ्रेंड्स ये बना देगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बना लेता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन हमारा करके ये बना लेता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम लोग पार्टिकुलर सोडियम का रिएक्शन देखें तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा सोडियम है ये क्या करता है फ्रेंड्स, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड को देता है। तो सोडियम का रिएक्शन देखेंगे तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को देगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि इसका ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग। और जो इलेक्ट्रॉन देगा ये हमारा, इस पे चार्ज कौन सा हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स, यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका मतलब हो गया कि सोडियम का ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हमारा Fe है, Fe क्या करता है फ्रेंड्स, कि Fe पे हम लोग क्या करते हैं, Fe का रिएक्शन देखें तो ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो यहां पे डबल प्लस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग का रस्ट होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है, जो हमारा कोरोजन होता है आयरन में, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन की वजह से होता है। आयरन का ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, कि हमारा कोरोजन होना। अगर फ्रेंड्स किसी मेटल पे हमारा कोरोजन होगा तो उसका स्ट्रेंथ क्या कर देता है, कम होता है। यानी कि जहां हमारा ऑक्सीडाइजेशन होगा, जहां पे ऑक्सीडाइजेशन होगा यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहां से हमारा एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और यह इलेक्ट्रॉन अब कहां जा रहा है, तो क्लोराइड के पास जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्लोराइड का रिएक्शन देख लेते हैं, तो हम Cl2 के, इस क्लोराइड रिएक्शन में क्या होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां से सोडियम क्या कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहा है, तो क्लोराइड के पास आ रहा है। तो क्लोराइड रिएक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम एक सोडियम का दिखाए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो दो सोडियम के साथ क्या हो जाएगा, टू इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा, तो यहां पे इसके साथ क्या जुड़ेगा, तो टू इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्या बना देगा, 2Cl। तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, मतलब गेन होगा इस सबस्टेंस को, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इसका मतलब इस पे हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और
जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा उस पर हमारा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको अगर हम लोग बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स एक एग्जांपल से हम और ले सकते हैं कि पानी के अंदर मान लीजिए हमारा 2H2 है प्लस O2 है, तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन के दौरान क्या बनाएगा, 2H2O बना देगा। तो फ्रेंड्स ये H क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इस O2 को देगा, तो H क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका अगर पार्टिकुलर देखेंगे तो इसका हमारा ऑक्सीडेशन हो गया और इसका हमारा रिडक्शन हो गया। तो फ्रेंड्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जैसे कि फ्रेंड्स इस एग्जांपल में देखिए हमारा यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहां पे देख लीजिए यहां पे भी हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो फ्रेंड्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या होता है, करंट होता है। तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन में अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी कुछ ना कुछ करंट यहां पर होगा। तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन में हमारा 2NaCl प्लस कुछ हमारा करंट होता है, लेकिन फ्रेंड्स ये करंट इतना कम होता है, इतना कम होता है, बहुत ही कम होता है, जिसको हम लोग मिली वोल्ट में मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमारा 2 मिली वोल्ट हमारा इस रिएक्शन के दौरान हमको मिल रहा है। तो फ्रेंड्स एक हर एक रिएक्शन के दौरान हमको कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलता है। तो फ्रेंड्स एक चीज देखा जाता है कि किसी भी रिएक्शन में हमारा दोनों प्रोसेस होता है, यानी ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है। तो फ्रेंड्स इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग यहां से ये आरईडी लीजिए और ओएक्स लीजिए, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स इसको आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोग ऐसे नॉर्मली लिख देते हैं कि OIL, यानी ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्रेंड्स रिडक्शन में हम लोग लिखते हैं RIG, यानी कि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल आप याद कीजिए, रिग याद कीजिए, ऑयल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन जब होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिग का मतलब हो गया कि अगर रिडक्शन जहां पे भी हो रहा है वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फ्रेंड्स यहां पर हम लोग देखे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हम लोग को कुछ मिली वोल्ट मिल रहा है, यानी कुछ हम लोग को पावर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स पानी में केवल हमारा एक ही रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, यानी कि पानी के अंदर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि रिएक्शन करते रहते हैं, और उस रिएक्शन के दौरान हम लोग को कुछ ना कुछ मिली वोल्ट मिलते रहता है। तो फ्रेंड्स वो रिएक्शन डिपेंड करता है कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है या फ्रेंड्स उसका हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो पानी में जितना हमारा ऑक्सीडाइजिंग होगा, जितना भी ऑक्सीडेशन होगा, तो फ्रेंड्स ये क्या देता है, हमारा पॉजिटिव दे रहा है, और रिडक्शन में क्या दे रहा है फ्रेंड्स, हमारा निगेटिव दे रहा है। तो फ्रेंड्स ORP क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब समझिए, पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी कि उसका क्षमता, यानी कि फ्रेंड्स ये क्या करता है, ORP द्वारा हम लोग मेजर करते हैं कैपेसिटी ऑफ वाटर टू रिलीज इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के दौरान कितना हमारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है या कितना हमारा रिलीज कर रहा है, यही ORP क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट करता है। तो फ्रेंड्स ORP का वैल्यू हमारा प्लस से लेकर के माइनस में आता है। इस ORP स्केल के बारे में अभी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, पहले यह समझ लीजिए कि अगर हमारा ऑक्सीडेशन होगा यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब होता है यह हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हमारा रिडक्शन हो रहा है यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फ्रेंड्स इसको अगर हम लोग देखें, रिड्यूसिंग एजेंट में हमारा मेनली कौन सा आता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट में आता है, या हमारा सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3 हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, रिड्यूसिंग एजेंट में आता है। वैसे ही अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें फ्रेंड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारा आता है मेनली क्लोरीन, ब्रोमीन, ओजोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, गेन कर रहा है, यानी किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमारा पानी के अंदर क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो जैसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो जैसे ही बैक्टीरिया वहां से सेल से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो उसका सेल क्या हो जाएगा,
आपका फ्रेंड्स वीक होगा, और वीक होगा इसका मतलब कि वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, पानी के अंदर मौजूद जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल करने का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे सिस्टम से लेगा, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन ले करके बैक्टीरिया को किल कर दे रहा है। और फ्रेंड्स रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है और ये दूसरे को प्रोवाइड करता है, जैसे यहां पे सोडियम क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग ये वाला पानी पिए यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला पानी पिए तो हम लोग के बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो हम लोग पानी कभी भी पिएंगे तो फ्रेंड्स ये वाला प्रॉपर्टी का है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, यानी कि बॉडी को जब हम लोग पानी पिए तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, तभी हमारा बॉडी क्या होगा, रीजनरेट होगा यानी एनर्जाइज होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग पानी जो पीते हैं ये वाला पीते हैं, ना कि हम लोग ये वाला पीते हैं। फ्रेंड्स यहां पर हमने दो स्केल बनाया है जिसमें एक है फ्रेंड्स हमारा ओआरपी मीटर, दूसरा है पीएच मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स ओआरपी मीटर का जो रीडिंग होता है प्लस 1500 से लेकर के -1500 मिली वोल्ट का होता है, और सिमिलरली फ्रेंड्स अगर पीएच मीटर की बात किया जाए तो हमारा 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज हम लोग जानते हैं कि पीएच मीटर में जो हमारा 7 है वो न्यूट्रल शो करता है कि पानी में हमारा ना ही एसिडिटी है ना ही हमारा एल्किनिटी है, वो क्या है फ्रेंड्स, न्यूट्रल है। सिमिलरली हम लोग का अगर ओआरपी मीटर में देखेंगे तो जो 0 वैल्यू होता है वो क्या शो करता है कि पानी हमारा यहां पे न्यूट्रल है। और फ्रेंड्स एक चीज हम लोग जानते हैं कि 7 से बिलो हम लोग का क्या होता है, एसिडिटी होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। और 7 से इधर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा एल्केलाइन होता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स इधर 0 से इधर का रिएक्शन जो भी होगा पानी के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और 0 के इधर होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। फ्रेंड्स एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा पीएच डिक्रीज हो रहा है यानी कि पीएच हम लोग का इधर आ रहा है, इसका मतलब कि एसिडिटी इंक्रीज होगा, यानी कि इंक्रीजिंग एसिडिटी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग का पीएच इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग एल्किनिटी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग ओआरपी मीटर की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स ओआरपी मीटर एंड पीएच मीटर का फंक्शनिंग एकदम सेम ही होता है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके पास पीएच मीटर हो तो पीएच मीटर में एक ऑप्शन रहता है कि उसको आप मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने एक वाटर का सैंपल लिया जिसका पीएच शो कर रहा है 4 के करीब में दिखा रहा है। अब हम लोग क्या किए फ्रेंड्स कि इसी पीएच मीटर द्वारा हम लोग क्या किए, इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट किए। तो जैसे ही मिली वोल्ट में कन्वर्ट किए तो ये जिसका पीएच 4 दिखा रहा था इसका जो वोल्टेज आ रहा है फ्रेंड्स वो कितना दिखा रहा है, प्लस 130-140 के करीब में दिखा रहा है। यानी कि अगर हमारा पीएच क्या हो रहा है, कम है, लेस देन 7 है यानी एसिडिक में है, तो उसका जो ओआरपी है, जो मिली वोल्ट आ रहा है वो हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे हम लोग का पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है यानी रिड्यूस हो जाता है, वो मटेरियल हमारा रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि हम लोग आयरन का ऑक्सीडेशन की बात किए तो आयरन क्या होता है, वहां पे कोरोड होने लगता है। तो फ्रेंड्स जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंक्रीज होगा इसका मतलब कि रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज होगा। सिमिलरली इसके अपोजिट में देखें कि फ्रेंड्स पीएच मीटर द्वारा हम लोग एक वाटर लिए जिसका पीएच हमारा लगभग 8-9 के बीच में है, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में इसको हम लोग मिली वोल्ट में कन्वर्ट करके देखें तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारा पीएच क्या है, हाई है यानी एल्केलाइन वाटर है, तो इसका जो हम लोग का मिली वोल्ट आएगा, जो हमारा ओआरपी मीटर आएगा वो हमारा निगेटिव में शो करेगा। फ्रेंड्स अगर हमारा ओआरपी का वैल्यू ज्यादा निगेटिव आ रहा है इसका मतलब कि रिडक्शन रिएक्शन हम लोग का इंक्रीज हो रहा है, और इसका मतलब होता है कि ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हमारा एक शब्द में बोले कि पॉजिटिव हम लोग का ओआरपी आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारा क्या आता है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हमारा ओजोन हो गया, ये सब चीज हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। और इधर अगर हम लोग का नेगेटिव ओआरपी आ रहा है इसका मतलब हो गया कि ये है हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट,
रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जबकि ऑक्सीडेंट की अगर बात करेंगे तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बुरा होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा इधर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इधर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ओआरपी का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यहां पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है। और फ्रेंड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग का मेनली क्या आता है, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लोरीनेशन के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग क्लोरीन डालते हैं तो इस पानी में मौजूद जो बैक्टीरिया है उसको क्या कर देता है, क्लोरीन किल कर देता है। यानी कि फ्रेंड्स, जैसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, तो जो हम लोग का पानी के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया है उसके सेल मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जैसे ही बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, यानी लॉस होगा, तो वो सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, डैमेज हो जाता है और हमारा जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे कील हो जाता है। कूलिंग टावर में ओआरपी का वैल्यू एक डिजायर्ड रेंज तक मेंटेन करते हैं, तो कितना मेंटेन करते हैं उसको मैं यहां पे राइट डाउन कर दे रहा हूं। तो लगभग होता है फ्रेंड्स 250 मिलीवोल्ट से लेकर के प्लस 350 मिलीवोल्ट के बीच में हम लोग मेंटेन करते हैं। और फ्रेंड्स, यहां तक हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जो भी बैक्टीरिया है इस पानी के अंदर वो सारा यहां पे कील हो गया है। यानी इतना अगर हम लोग वोल्टेज मेंटेन करेंगे, मिलीवोल्ट मेंटेन करेंगे, तो इतना भी जो हमारा क्लोरीन है वो अच्छे से बैक्टीरिया को कील कर दिया है। अब फ्रेंड्स, इससे ज्यादा अगर हम लोग का पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि हम लोग का जो क्लोरीन है वो यहां पे बच रहा है, यानी एफआरसी का वैल्यू हम लोग का इंक्रीज होगा, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा यहां पे क्लोरीन ज्यादा रहेगा तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब किसको ऑक्सीडाइज करेगा, यहां पे बैक्टीरिया तो है नहीं, अब किसको करेगा, तो जो हम लोग का पाइपलाइन है, एक्स्ट्रा क्लोरीन क्या करेगा, पाइप हमारा आयरन से बना हुआ रहता है, तो आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब कि उसको कोरोड करेगा, यानी उसका स्ट्रेंथ कम करेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अज्यूम करते हैं कि अगर हम लोग 250 से लेकर के 350 प्लस के बीच में अगर हम लोग ओआरपी मेंटेन करेंगे कूलिंग टावर में, तो हमारा सारा बैक्टीरिया जो है वो कील हो जाता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि ड्रिंकिंग वाटर का ओआरपी कितना होता है, तो ड्रिंकिंग वाटर का जो हम लोग ओआरपी रखते हैं वो रखते हैं फ्रेंड्स हम लोग निगेटिव में 150 से लेकर के लगभग हम लोग 200 मिलीवोल्ट निगेटिव तक मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग निगेटिव क्यों लेते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग पॉजिटिव लिए तो पॉजिटिव में क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि निगेटिव के पास क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ये हम लोग को डोनेट करता है। तो जब हम लोग पानी पिएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी को देगा, तो जैसे हमारे बॉडी को इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसका मतलब हमारा बॉडी क्या होता है, रीजनरेट होगा और हम लोग एनर्जाइज हो जाएंगे। अगर हम लोग ये वाला पॉजिटिव वाला पानी पिएंगे तो क्या होगा कि ये हम लोग के बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हमारे बॉडी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हमारा बॉडी क्या होगा, पूरा एकदम कमजोर हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हम लोग का बुढ़ापा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जो हम लोग पानी पीते हैं वो हम लोग का निगेटिव, और इससे ज्यादा अगर आप निगेटिव ले रहे हैं तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा बॉडी को, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। इसीलिए एक डिजायर्ड रेंज है, जो कि इतना निगेटिव हम लोग का 150 से लेकर के 200 के बीच में अगर मिलीवोल्ट हम लोग पानी पी रहे हैं ओआरपी का, तो हमारे लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ ऑल अबाउट ओआरपी के बारे में, जिसमें हम लोग स्टडी कर लिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारा ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, यानी ओवरऑल रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ ही होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यह भी समझे कि ओवरऑल रिएक्शन में हम लोग अगर नेट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ना ही हमारा लॉस होता है ना ही हमारा गेन होता है, यानी ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम ही रहता है। उम्मीद करता हूं यह टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।